हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। तो दोस्तों आपने जो वीडियो देखी, अगर आप भी ऐसी वीडियो बनाना चाहते हैं, सुपर फ्लाइंग इफेक्ट की वीडियो आप बनाना चाहते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए ही है। आप शुरू से लेकर लास्ट तक इस वीडियो को देखते रहिएगा। वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है, लेकिन दोस्तों आप इसे पूरी देखिएगा तभी आपको मालूम हो पाएगा। दोस्तों तो चलिए पहले देख लेते हैं कि आपको अपनी वीडियो जो है वो रिकॉर्ड कैसे करनी है। तो चलिए देख लेते हैं। तो कुछ ऐसे आपको अपनी वीडियो रिकॉर्ड करनी है दोस्तों। तो रिकॉर्ड करने के बाद आप सिंपली काइनमास्टर खोल लीजिए। अगर आपके में वीडियो लेयर सपोर्ट नहीं करता है तो नीचे मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रहा हूँ, काइनमास्टर प्रीमियम आप डाउनलोड कर लीजिए। और उसे डाउनलोड करने के बाद आप सिंपली एम्प्टी प्रोजेक्ट एक ले लीजिए दोस्तों। इसके लिए आपको थोड़ी सी जो है वो रिकॉर्डिंग स्किल, एडिटिंग स्किल होना ज़रूरी है दोस्तों। तो मीडिया ब्राउज़र पर आप सिंपली अपनी जो वीडियो है उसे सिलेक्ट कर लीजिए दोस्तों। तो मैंने यहाँ से ये वीडियो अपनी सिलेक्ट कर ली है दोस्तों। मैं आपको रिकमेंड करूँगा आप ट्राईपॉड से ये वीडियो रिकॉर्ड करें या ऐसे रिकॉर्ड करें आपके मोबाइल से, जो आपका मोबाइल है वो आपके हाथ से हिले नहीं। तो चलिए हम इसे थोड़ा आगे बढ़ा लेते हैं। सिंपली यहाँ से इसे थोड़ा यहाँ पर हमें इसे कर देना है एंड देन सिंपली यहाँ पर हमें क्लिक कर देना है दोस्तों। तो सिंपली यहाँ पर टच करेंगे और सिंपली यहाँ पर डिलीट बटन के ऊपर आपको एक बटन दिया गया है, इस पर क्लिक करके आपको सिंपली यहाँ इस दूसरे वाले पर क्लिक कर देना है। तो सिंपली यहाँ पर मैंने क्लिक कर दिया है दोस्तों, और ये अभी एक फ़ोटो बना दी है इनने। और सिंपली यहाँ से इसे थोड़ा कट कर लेंगे, इतना बड़ा नहीं रहने देंगे, हम इसे 1 सेकंड का रहने देते हैं। तो सिंपली यहाँ से इसे राइट करेंगे, देन सिंपली इस पर दोबारा टच करेंगे और यहाँ क्रॉप के बटन पर क्लिक करेंगे और इक्वल टू पर क्लिक कर देना है आपको सिंपली, और यहाँ टिक पर क्लिक कर दीजिए। इसके बाद आपको दोस्तों यहाँ पर क्लिक करना है, और यहाँ पर क्लिक करने के बाद आपको सिंपली क्लासिक ट्रांजिशन पर चले जाना है और क्रॉसफेड इसे कर देना है। तो सिंपली फिर आप देखेंगे तो कुछ ऐसा आपको यहाँ इफ़ेक्ट मिल जाएगा। सॉरी दोस्तों अगर आपको बैकग्राउंड नॉइज़ मिल रही हो तो मैं इसके लिए सॉरी कहूँगा, क्योंकि यहाँ थोड़ी नॉइज़ है दोस्तों। तो यहाँ पर आपको सिंपली जहाँ से आप चल रहे हैं तो वहाँ पर आपको कट कर देना है ऐसे, और यहाँ पर आपको जब आप देखेंगे तो कुछ ऐसा आपको इफ़ेक्ट दिखेगा। तो थोड़ा सा और चलते वक्त का हमें कट करना है। ट्रिम टू लेफ्ट पर क्लिक कर देते हैं, देन सिंपली एक और बार राइट पर क्लिक करेंगे और देन देखेंगे हम तो देखिए कुछ ऐसा आपको यहाँ इफेक्ट मिलेगा। थोड़ा और आगे जाएंगे, इसे जूम कर लेते हैं दोस्तों। हम सिंपली मैं इसे जूम कर लूँगा, ये मैंने यहाँ इसे जूम कर लिया है। अब हमें यहाँ पर जब हमारा ये पंच ज़मीन पर टच होगा हमें वहाँ पर अपनी वीडियो को ले जाना है सिंपली, और यहाँ नीचे से यहाँ ये आ गए हैं। इसके बाद दोस्तों आपको एक ग्रीन स्क्रीन इफ़ेक्ट लाना है दोस्तों, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी, आप सिंपली वहाँ से उसे ले आइएगा, डाउनलोड कर लीजिएगा और इसे फुल कर देना है दोस्तों हमें। एंड देन सिंपली आपको पता ही है क्रोमा की, एंड देन अनेबल इट, एंड देन ये ऐसा हो जाएगा दोस्तों। उसके बाद जो होगा कुछ ऐसा इफेक्ट होगा, ये थोड़ा थोड़ा ऊपर ग्रीन आ रहा है दोस्तों। तो इसे भी हम हल्का सा डिटेल कप पर जाएंगे और इसे नीचे करेंगे दोस्तों, इसे ऐसे नीचे करेंगे तो ये हल्का हो जाएगा सिंपली। इसे ज़्यादा भी आपको नीचे नहीं करना है। तो ये कुछ ऐसा आपको यहाँ मिल जाएगा, देन आप सिंपली इसे चला के देखेंगे तो कुछ ऐसा आपको इफेक्ट यहाँ मिलेगा। अगर आप चाहें दोस्तों तो इसे हल्का सा नीचे कर सकते हैं, बिकॉज़ यहाँ पर जो आपको धूल है वो थोड़ी ऊपर तक मिल जाती है, आप इसे नीचे कर सकते हैं। तो आगे जाएंगे, सिंपली इसे आपको यहाँ पर जहाँ पर आपका थंब यूँ हो जाए वहाँ पर आपको सिंपली इसे कट कर देना है। देन दोस्तों आपको थोड़ा और जूम कर लेना है अपने प्रोजेक्ट को और सिंपली हल्का सा आगे बढ़ाना है, और यहाँ आपको कूदते वक्त, ये कूदते वक्त आपको अपनी वीडियो को जो है वो कट कर देना है। देन सिंपली आप पूरा का पूरा ये एंड तक, यहाँ मैं ऐसे ले लेता हूँ एंड देन सिंपली यहाँ तक आपको कट कर लेना है। और दोस्तों यहाँ पर आपको जो इफ़ेक्ट लगाना है वो वही क्रॉसफिट इफ़ेक्ट है। और ऐसा हल्का सा लंबा कर लेना है आपको, देन आपका कुछ ऐसा इफ़ेक्ट मिलेगा आपको। तो यहाँ से कुछ आपका उड़ता हुआ इफ़ेक्ट मिलेगा, तो आप चाहें तो थोड़ा और कर सकते हैं यहाँ से। तो इसके बाद दोस्तों करना सिर्फ इतना है, ऐसे थोड़ा काट देते हैं क्योंकि ये लंबा हो जाएगा। और फिर आपको एक और जो है वो वीडियो डाउनलोड करनी है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। तो ये आपके क्लाउड और स्काई की वीडियो है। देन आपको सिंपली अपना जो एक हाथ ऊपर करके एक पीएनजी लेना है, कुछ इस टाइप का पीएनजी आपको लेना है, फ़ोटो लेना है। देन आपको उसे बैकग्राउंड आपका बिल्कुल हटा देना है। एंड देन आपको इसे ऐसे नीचे लाना है, देन सिंपली नीचे लाना है और यहाँ एक पॉइंट लग जाएगा। एंड देन आपको सिंपली यहाँ पर प्लस लगाना है और इसे ऊपर तक ऐसे दूसरे कोने तक ड्रैग कर देना है दोस्तों। तो आप सिंपली यहाँ से इसे कट कर सकते हैं। एंड देन सिंपली एक और बार आप जाइए और फिर से आप उसे ले आइए। एंड देन सिंपली यहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो इसे यहाँ पर क्लिक कर दीजिए और यहाँ ऐसे ये हो जाएगा। फिर राइट कर दीजिए, देन सिंपली इस पर टच कीजिए, इसे भी जो है वो आप ऐसे कर दीजिए दोस्तों। ये आपका ऐसे हो गया है। देन इसे भी इस वाले कोने पर लाइए, देन ये आपको एनिमेशन टूल यूज़ करना है और फिर से इसे ऊपर तक ले जाना है, ऊपर आपको इसे ड्रैग कर देना है। एंड देन सिंपली इसे भी आपको कट कर देना है। देन सिंपली आपको एक और लेयर लानी है और यहाँ पर लेयर ये लानी है और यहाँ से आपको ऐसे कर देना है और सिंपली यहाँ से इधर ले आना है और फिर से एनिमेशन टूल का यूज़ करना है। एंड देन सिंपली इसे यहाँ से उठाकर आपको यहाँ दूसरे छोर पर ड्रैग कर देना है दोस्तों। एंड देन सिंपली फिर से आपको इसे इतना कट कर देना है और आप इसे भी कट कर सकते हैं। और आप जिस एंगल से चाहें आप थोड़े बहुत एंगल से और अपनी जो है वो डाल सकते हैं वीडियो को। तो सिंपली यहाँ से प्ले करके दिखा देता हूँ। ये ऊपर ऐसे जाता हुआ आपकी वीडियो बनेगी, देन सिंपली आपको इस छोर से जाता हुआ मिलेगी। एंड देन सिंपली आपको यहाँ से भी जाता हुआ मिल जाएगी ये वीडियो को। तो सिंपली ये था ये फ्लाइंग इफेक्ट का ट्यूटोरियल। आपको ये ट्यूटोरियल अच्छा लगा तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और जल्द से जल्द इस वीडियो को शेयर कर दीजिए ताकि सबको पता चल जाए कि फ्लाई वीडियो कैसे बनाते हैं, वो भी बहुत ही अच्छे ढंग से तरीके से। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो फिर से लाइक कर दीजिए और प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल का आइकन भी दबाना ना भूलें ताकि मैं अगर आपको अगली वीडियो अपलोड करूँगा अपने चैनल पर तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगी। तो मिलते हैं ऐसी नेक्स्ट वीडियो के साथ, जब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।